नमस्कार, मैं दिशांत श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज में आपका स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं कहानी दहशत, तो चलिए सुनते हैं इसका तीसरा भाग। मालिनी को लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब मौजूद है। उसने अपने पीछे गर्दन पर किसी के सांस लेने का एहसास हुआ। वह एहसास इतना भयानक था कि वो कांपने लगी। उसकी नज़र सामने रखे ड्रेसिंग टेबल के आईने पर गई तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ठीक उसके पीछे एक बहुत ही डरावनी शक्ल की औरत खड़ी थी जो कि उल्टी लटकी हुई थी। उस औरत के पैर ऊपर छत को छू रहे थे और सिर ठीक मालिनी के ऊपर था। उस औरत के बाल मालिनी के कंधों को छू रहे थे। उसका चेहरा बहुत भयानक था, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे खून का एक कतरा भी ना हो अंतर। आंखों में पुतलियाँ ही नहीं थीं, बिल्कुल कोरी सफ़ेद वीरान आँखें थीं और उसके चेहरे पर एक कुटिल और विवत्स मुस्कान थी। मालिनी ने जो भी देखा उसे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मालिनी चीखना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो भागना चाहती थी लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस चुके थे। मालिनी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। शाम को परेश बच्चों को स्कूल से लेते हुए आया। बहुत खटखटाने पर भी जब मालिनी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने दूसरी चाबी जो अक्सर उसके बैग में होती थी उससे दरवाज़ा खोल के वो अंदर आए। मालिनी को आवाज़ देते हुए वो सब उसे खोजने लगे। परेश को मालिनी अपने कमरे में बेहोश मिली। वो अब तक बेहोशी थी। छू कर देखा तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। परेश ने डॉक्टर को फ़ोन करके तुरंत घर बुला लिया। डॉक्टर ने थोड़ा चेक किया और इंजेक्शन देकर बाहर आ गया। परेश ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मैं जब ऑफिस से आया तो मालिनी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी, तब से अब तक उसे होश ही नहीं आया है, आखिर हुआ क्या है उसे? डॉक्टर ने कहा, देखिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुखार था इसलिए मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, सो बुखार कुछ देर में उतर जाएगा। बाकी कोई और दिक्कत तो है नहीं इन्हें, इसलिए मुझे लगता है इन्हें किसी बात का शौक लगा है जिससे ये बेहोश हो गई हैं। कुछ देर इन्हें आराम करने दीजिए, फिर देखते हैं। अगर फिर भी कुछ सुधार नहीं होता है तो आप इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा, आगे की जाँच वहीं करेंगे। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद परेश ने बच्चों को खाना बनाकर खिलाया और बच्चे अपने कमरे में जाकर पढ़ने बैठ गए। परेश मालिनी के सिरहाने बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वो चौंक गया। मालिनी का हाथ एकदम ठंडा पड़ चुका था, बिल्कुल बेजान सा। मालिनी के हाथ पैरों को ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों से घिसकर गर्मी देने लगा। तभी मालिनी ने आँखें खोली। वो अचानक उठ के बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था, कुछ अजीब सी आवाज़ में रो रही थी वो, बहुत भयानक तरीके से। इतनी डरावनी आवाज़ें थी उसकी कि परेश भी दूर जाकर खड़ा हो गया। बच्चे भी डर के नीचे आ गए, अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देख के भाग के पापा के पीछे छुप गए। ऋषि, पापा मम्मी को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों कर रही हैं? अचानक से मालिनी चुप हो गई और परेश और बच्चों की तरफ देखने लगी। वो मालिनी नहीं लग रही थी, कुछ तो अजीब हो रहा था। वो गर्दन टेढ़ी करके ज़रा झुक के ऋषि को देखने लगी। उसकी आंखों में कुछ था, वो मुस्कुराई, वही कुटिल मुस्कान। क्या हुआ था मालिनी को, क्यों वो ऐसे अजीब से बर्ताव कर रही थी, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।